अनकेडमी लाया है अनकेडमी गोल्ड, जहाँ पे आपको मिलता है 20% का ऑफ सभी टाइप के सब्सक्रिप्शन पे, और ये ऑफर एक्सटेंडेड है 30 अप्रैल तक। हमारा कोड यूज़ कीजिए botany10 जब भी आप जाइए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनकेडमी पे, आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अनकेडमी गोल्ड, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अनकेडमी लाया है लर्निंग फेस्टिवल, जहाँ पे आपको मिलता है केवल 299 रुपये में 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना नीट यूजी का जर्नी। और ये ऑफर वैलिड है अप्रैल 23 से लेकर 30 तक, जहाँ पे आपको मिलता है लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन, 24/7 डाउट सॉल्विंग एंड पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ऐसे ही सेम जो है आपका यही लर्निंग फेस्टिवल ऑफर 299 में, जहाँ पे आपको मिलता है 45 के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन, वैलिड है आपके 8 से लेके 12 तक के क्लासेस के लिए। तो लिंक सेम है, अगर आप यूज़ करेंगे वहाँ पे आप जाएंगे चूज करेंगे क्लास 8 से लेके 12 तक, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये भी आपको केवल 299 रुपये में मिलता है। प्लस अगर आप botany10 हमारा कोड यूज़ करते हैं उस पर भी आपको एडिशनल जो होता है छूट मिलेगा। ऐसे ही सेम जो होता है लर्निंग फेस्टिवल, ये अप्लाई होता है IIT के लिए, जहाँ पे आपको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे, सेम 299 रुपये में 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन। और हमारे चैनल का कोड अगर आप यूज़ करते हैं botany10, तो आपको एडिशनल जो होता है डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो इन सारे का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जिस भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो जो है उसके लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए, और जो है जो इतना सस्ता और इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसका आज ही फ़ायदा उठाइए। फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स ऑफ botany के, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अभी मैं MCQ कराने जा रहा हूं अपने चैनल पे, तो हम स्टार्ट करते हैं साइकस और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पाइनस भी लेके आएंगे, जो हमारा वीडियो जस्ट स्टार्ट होगा कुछ देर बाद ही, ठीक है। तो क्योंकि साइकस और पाइनस आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं वहाँ पे साइकस और पाइनस पूछते ही हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं टैक्सस इफेड्रा वेलवेशिया जिनको वहाँ से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आप जो भी बुक पढ़ते हैं साइकस और पाइनस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम टेस्ट करते हैं कि आपका कितना जो है आपने प्रॉपर तैयारी की है इन दोनों मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो MCQ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ मैं आपको देता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता जाता हूँ, आप उनके आंसर्स कमेंट करते जाइए, बाद में मैं उसका आंसर भी पब्लिश कर दूंगा नेक्स्ट डे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एज ऑफ साइकेट्स वॉज, साइकेट्स का एज क्या था, कहाँ पे जो है साइकेट्स डोमिनेंट थे, किस पीरियड में, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस या कार्बोनी फेरस। ओके, क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसके आंसर दे दीजिए जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, साइकेट्स आर यूजली वुडी ट्रीज एक्सेप्ट, कह रहा जो साइकेट्स होते हैं वो मोस्टली आप देखेंगे वो वुडी ट्रीज ही होते हैं, केवल किसको छोड़ के। ऑप्शंस हैं साइकस, जामिया पिग्मिया, सेराटोजामिया या बाउविनिया, ठीक, चार ऑप्शन है आपके पास, इसका भी आंसर आप दे दीजिए। थर्ड पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पॉन स्पॉन के हिसाब से 1965 में विच फैमिली ऑफ साइकेडेल्स इंक्लूड ओनली फॉसिल फॉर्म्स, कौन सा फैमिली है साइकेडेल्स का जहाँ पे केवल आपको फॉसिल फॉर्म्स ही मिलेंगे, साइकेडेसी, नेल्सोनिएसी, दोनों ए और बी सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्पीसीज साइकस का इंडिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, साइकस बेडुमाई, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस रम्फाई या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन असम, बिहार, मणिपुर, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा साइकस का स्पीसीज है जो आपको इंडिया के असम, बिहार, मणिपुर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल स्टेट में आपको मिलेगा। ऑप्शंस हैं आपके, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस बेडुमियाई, साइकस रम्फा या साइकस सिरसिनालिस। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा साइकस का स्पीसीज केवल और केवल आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलेगा, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस बेडुमियाई, साइकस रम्फाई और साइकस सिरसिनालिस। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स ऑफ इंडिया,
इनमें से कौन सा साइकस का स्पीसीज अंडमान और निकोबार आइसलैंड पे ही पाया जाता है? पेक्टिनाटा, बिडुमाए, रम्फा या सर्सिनालिस। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, जब आप साइकस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कुछ ही स्पीसीज क्योंकि इंडिया में पाई जाती हैं साइकस का, तो आपको थोड़ा सा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट्स एंड उड़ीसा हिल्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके वही हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज साइकस का वेस्टर्न जो पार्ट्स होते हैं पेनिनसुलर इंडिया के, वेस्टर्न घाट्स और उड़ीसा हिल्स पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रूट इज अपोजियोट्रॉपिक इन साइकस, इनमें से साइकस का कौन सा रूट अपोजियोट्रॉपिक होता है? टैप रूट, कोरलाइड रूट, या दोनों टैप रूट और कोरलाइड रूट, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। विच वन ऑफ एल्गल ग्रुप इज कॉमनली फाउंड इन कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस, इनमें से कौन सा एल्गल ग्रुप आपको साइकस के कोरलाइड रूट में मिलता है? नॉस्टॉक, ग्लियोट्राइकियन रिवुलारिया, ग्लियोकैप्साइन माइक्रोसिस्टिस और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। द एल्गल जोन इज फाउंड इन ऑफ कोरलाइड रूट ऑफ साइकस, जो एल्गल जोन होता है कोरलाइड रूट में साइकस के, वो कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम या पिथ में, ये आपको बताना है स्पेसिफिकली। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द रूट हैज लेंटिसल इन साइकस, इनमें से अगर मैं बताऊँ आपको कि लेंटिसल एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट्स का, तो साइकस में आपको किस टाइप के रूट में लेंटिसल भी देखने को मिलते हैं? टैप रूट में, क्लोराइड रूट में, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस, इनमें से कौन सा साइकस का फीचर नहीं है? पिनेटली कंपाउंड लीफ, स्टेम कवर्ड विथ परसिस्टेंट लीफ बेसिस, यंग लीव्स कवर्ड विथ रेमेंटा, या अब्सेंस ऑफ सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। द स्केल लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर आल्सो नोन एज, जिम्नोस्पर्म्स के जो स्केल लीव्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कैटरपिल्स, लीफलेट्स, रेमेंटा या नीडल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट स्केली लीव्स ऑफ साइकस, साइकस में स्केली लीव्स होते हैं उसका कुछ फीचर होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन स्केली लीव्स के फीचर के लिए ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू। दे आर कैपेबल ऑफ कार्बन असिमिलेशन, दे आर थिकली कवर्ड विथ रेमेंटा, दे हैव परसिस्टेंट बेसिस और देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अपिकल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। हाउ विल यू कैलकुलेट द एज ऑफ अ साइकस ट्री, आप एक साइकस ट्री का एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ईच लीफ रिसीव फोर लीफ ट्रेसेस इन, कह रहा है प्रत्येक लीफ जो होता है उसमें चार लीफ के ट्रेसेस रहते हैं किस स्पीशीज में? टैक्सस, इफेड्रा, साइकस या जिंको। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। गर्डल ट्रेसेस किस में मिलता है? साइकस, वेलवेशिया, इफेड्रा या नीटम। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सक्सेसिव कैम्बियन रिंग्स आर फॉर्म्ड इन द स्टेम ऑफ, सक्सेसिव कैम्बियन रिंग जो होते हैं वो आपको किसके स्टेम में देखने को मिलता है? पाइनस, नीटम, इफेड्रा या साइकस। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। पॉलीजाइलिक स्टेम इज द फीचर ऑफ, पॉलीजाइलिक जो स्टेम होता है वो किसका फीचर है? पाइनस, साइकस, इफेड्रा या नीटम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आपको कहाँ देखने को मिलता है? टैक्सस, इफेड्रा, साइकस या जिंको। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द वैस्कुलर बंडल्स इन द बेसल रीजन ऑफ साइकस लीफ रैचेस हैव, कह रहा है जो वैस्कुलर बंडल होते हैं साइकस लीफ के रैचेस में बेसल रीजन पे, उनका क्या फीचर है? वहाँ पे केवल सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है, वहाँ पे केवल सेंट्रिपिटल जाइलम पाया जाता है, वहाँ पे दोनों टाइप के जाइलम पाए जाते हैं या उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द वैस्कुलर बंडल्स इन द अपर रीजन ऑफ साइकस लीफ रैचेस हैव, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं साइकस के अपर रीजन में लीफ रैकेस के, वहाँ पे क्या फीचर होता है? केवल वहाँ पे मतलब ज़्यादा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है या ज़्यादा वहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम होता है या दोनों का इक्वल अमाउंट में होता है या कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। जो लीफलेट्स होता है साइकस का वो सोलन होता है मिडरिब रीजन में,
द मार्जिन्स ऑफ विंग्स आर यूजली स्ट्रेट बट इट इज रिवलेटिंग। कह रहा है जो साइकस का मिडरिब रीजन होता है वो सॉलन होता है, वहाँ से विंग लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है दोनों साइड्स में, और ये यूजली स्ट्रेट होते हैं। पर ये रिवोल्यूट किस स्पीसीज में पाए जाते हैं साइकस के? साइकस सर्सेनालिस और रिवोल्यूटा, बिडुमाई और रिवोल्यूटा, पेक्टिनाटा और रिवोल्यूटा, या रम्फाई और रिवोल्यूटा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय अ लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इन साइकस। इट्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर ऑन द डॉर्सल सर्फेस बट इट इज कन्फाइंड ओनली टू द मिडरिब रीजन ऑन द वेंट्रल सर्फेस एक्सेप्ट। कह रहा जो एपिडर्मिस होता है वह उसके नीचे आप देखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है साइकस में, और एक कंटिन्यूअस लेयर बनाता है डॉर्सल सर्फेस पे, बट ये केवल मिडरिब रीजन वेंट्रल सर्फेस पे, ये केवल मिडरिब रीजन में ही होता है। ऐसा फीचर आपको हर जगह साइकस में देखने को मिलेंगे, केवल किस स्पीसीज को छोड़ के? साइकस रिवोल्यूटा, सर्सिनालिस, पेक्टिनाटा या बिडुमाई। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स फ्रॉम वेंट्रल टू डॉर्सल सर्फेस इन द लीफलेट ऑफ साइकस। यहाँ पे साइकस के लीफलेट की बात हो रही है, और यहाँ पे आपको अगर आप वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट टिश्यूज के ऑर्डर क्या रहेंगे? पहले हाइपोडर्मिस आएगा, फिर एपिडर्मिस आएगा, फिर स्पंडी टिश्यू आएगा, फिर पहले सेड टिश्यू आएगा, या स्पंजी टिश्यू आएगा, पहले सेड आएगा, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस आएगा, या हाइपोडर्मिस स्पंजी टिश्यू पहले सेड टिश्यू और एपिडर्मिस आएगा, या एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस पहले सेड टिश्यू या स्पंजी टिश्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी और एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इन साइकस? जो सेकेंडरी या एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है साइकस में, उसका फंक्शन क्या है? ये लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, या वर्टिकल कंडक्शन करते हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स का, या लैटरल कंडक्शन करते हैं केवल वाटर का, या वर्टिकल कंडक्शन करते हैं केवल न्यूट्रिएंट्स का? क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन साइकस लीफ इज 1, 3, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फ्लोएम इन द लीफलेट ऑफ साइकस? साइकस के लीफलेट में फ्लोएम का पोजीशन क्या होता है? ये एडैक्सियल सरफेस की तरफ रहता है, या एबैक्सियल सरफेस की तरफ रहता है, या लैटरल साइड पे पाया जाता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये था आपका 29 तक का, इसके आगे बस यही ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक का। होप कि ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन टफ बनाए हैं उनके लिए, जो जिनको लगता है कि मेरी पूरी तैयारी सही से हो गई है साइकस का। तो एक बार इन सब क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, इनका आंसर आपने कमेंट कर दिया है, मैं अगले 24 आवर्स में इसका आंसर अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो होगा एमसीक्यू मैं जल्द ही ला रहा हूँ, अगले 15-20 मिनट के अंदर, वो होगा आपका पाइनस पे। देखते हैं पाइनस पे आपने कितनी तैयारी की है। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप आपका अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एनजी फंजाई, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।